क्या शानदार सा रंगा था, बिल्कुल चमक देता हुआ ग्रेवी और ये मटन का पीस, इतना मोटा लड़ आज तक आई थिंक नहीं ऐसा चुस्त था। खा लीजिए खाने के लिए, मतलब खा लीजिए ना, पता चल जाएगा। एक बार जाम चेक कीजिए भाई साहब, मतलब यहाँ पे खाने के लिए ना आपको थोड़ा जाम झेलना पड़ेगा और तवा रखा हुआ और तवे पे सब कुछ बनता है। कैसे बनता है, क्या क्या है? हर लोग का अपना अपना टैलेंट होता है, जैसे आपका ये है टैलेंट। मेरा कैसे बैगन 60 रुपया और ये ओल कंदा है ये भाई साहब। हम तो है मटन के शौकीन आदमी, तो मुझे क्या पता कंदा है कि ओल है कि परवल है कि क्या है। हम यहाँ पे आए हैं आपको दिखाने के लिए पटना सिटी में एक शानदार दुकान, और भीड़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना लोग यहाँ पे दीवाने हैं स्ट्रीट फूड के। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ मिलेगा आपको गोरी, लिट्टी, मटन, चर्बी, चुस्ता, सब कुछ मिलेगा। और प्राइस क्या है, टेस्ट क्या है, सब कुछ दिखाते हैं। एड्रेस क्या होगा, सब कुछ दिखाएंगे आपको। चलते हैं उस वाले कार्ट पे, पर भीड़ चेक कीजिए आप कितना भीड़ लगा वहाँ पे। सब लोग जो है ना, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर लोग यहाँ पर आकर के अपना प्लेट लगवा रहे हैं, खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने इस शानदार से स्ट्रीट फूड को। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा माजरा जो है ना, वो आखिर है क्या। आइए, तो गाइस ये है दुकान का ओनर भैया, नाम क्या हुआ आपका? रवि चौधरी। और क्या क्या बेचते हैं यहाँ पे आप? मटन, लिट्टी, चाप, गोड़ी। और दुकान कितना पुराना हो गया वाला? 10 बरस हो गया। 10 बरस हो गया, हाँ। इतना डिमांड क्या होता है आपके यहाँ पे? बढ़िया सामान रहता है इसीलिए सब खाता है, डिमांड है आपको। एक बार दिखा दीजिए क्या क्या रखे हैं आप यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये खुला पिटारा है इनका, और इसमें क्या क्या है? चुस्ता है, मीठा, लड़ है, सब रहता है, कलेजी उलेजी सब मिला। लड़ बहुत मोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लड़ चेक कीजिए, ये देखिए लड़ है, ये आ गया शानदार चुस्ता। दाम कितना होता है चुस्ता का? 200-150। और लड़ का दाम? सब वही रहता है, 100 ग्राम 100 रुपया। 100 ग्राम 100 रुपया, हाँ लड़। और तौल के देते हैं आप? तौल के बिकता है। और ये क्या है? गोड़ी है। ये आपका यहाँ देखिए, ये दाम कितना होता है इसका? 50 रुपया पीस है। 50 रुपया का मिल जाएगा गोड़ी यहाँ पे खाने के लिए। चर्बी कहाँ है? चर्बी और चाप लिट्टी दे दें, चर्बी चाप। और ये देखिए, ये निकला ऊपर से चर्बी और चाप, इसका दाम कितना होता है? 45 रुपया पीस है। और ये देखिए, ये निकल रहा है अभी शानदार सा चुस्ता। राजू पे तौलने के बाद जो है वो जाएगा इस तवे पे, थोड़ा सा इसमें आएगा ग्रेवी और मटन का कुछ पीस, ये आया इस तवे पे। वाह भाई साहब, अब आएगा थोड़ा सा इस पर ग्रेवी, थोड़ा सा रोगन आएगा इस पर, और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। वाह वाह, क्या नज़ारा है भाई साहब। इसको बोलते हैं तवा फ्राई वाला चुस्ता और लिट्टी। ये देखिए कटिंग कर दिए चुस्ता को। ओए होए होए होए, क्या बात है जनाब, मतलब इस तरह देख कर ना बिल्कुल मज़ा आ रहा है। नहीं मज़ा आ रहा है? आ रहा मज़ा देख के आप लोग को? यहाँ देखिए आ रहा मज़ा सब लोग? हाँ, अरे क्या खाने के लिए आप आए हैं? हाँ, लिट्टी। वाह, तो यहाँ पे देखिए सब लोग जो है अपने अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, सब कस्टमर जो यहाँ पे आ चुके हैं खाने के लिए। बढ़िया सा लिट्टी मटन, चाहे चुस्ता और लिट्टी। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब, तवा भर करके पूरा लिट्टी आ चुका है, अब इस पर आएगा पूरा ग्रेवी। ये रोगन आया इस पूरे लिट्टी के ऊपर में, इसको पूरा फ्राई कर देंगे लिट्टी और ग्रेवी को। ये हल्का हल्का काट करके जो लोगों को सर्व करते हैं, यहाँ पे कटिंग किए और यहाँ पे डाले ग्रेवी। तो यहाँ पे देखिए सरसों का तेल आ चुका है, इसमें आ गया प्याज, और कैसे फ्राई करते हैं मटन को वो आपको दिखाते हैं। हल्का सा मिर्च डालिएगा बस आप, क्योंकि मैं तीखा थोड़ा कम खाता हूँ, कस्टमाइज़ करवा लीजिए अपने अकॉर्डिंग में कितना तीखा खाना आपको। यहाँ पे मिर्च पड़ गया, और ये खुलेगा पिटारा यहाँ पे, और जो बोलिए डिमांड कीजिएगा वो आपको पीस यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ये पहले तौलेंगे इसको, तौलने के बाद ही सर्व करते हैं। देखिए तौल दिए, और अब तौलने के बाद ये जाएगा इस तवे के ऊपर में। धुआं उठता है और लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पे मटन और लिट्टी। ये देखिए इससे लिट्टी फटाफट जो है 20 से ज़्यादा करेंगे, ताकि जो इसका जो ग्रेवी है ना वो अंदर तक चला जाए और खाने में मज़ा आ जाए, बिल्कुल मज़ा आए। ये कलेजी कटा, ये गुर्दा ना, ये गुर्दा, और यहाँ पे लड़। जो लोग शौकीन है खाने के नॉनवेज ना, उनके लिए जन्नत जगह है भाई साहब, जन्नत। वहाँ पे रखा हुआ है चर्बी चाप, यहाँ पे रखा हुआ है मटन, वहाँ पे रखा हुआ है गोरी। ग्रेवी चेक कीजिए, बिल्कुल लटपट एकदम ग्रेवी बन के यहाँ रेडी हो गया है। चलिए करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं कि स्वाद जो है कैसा मिलेगा। तो अब आएगा यहाँ पे चाप, सरसों का तेल आ चुका है, इस पर आ गया चाप, और हल्का सा चर्बी आएगा इसके ऊपर में। अब इसको ढक दिए, ढकने के बाद
कब तक पकेगा ये वाला? 5 मिनट 10 मिनट इसको और लगेगा पकने में। उस पर दिखाते हैं कि इसका रंगत और स्वाद जो है कैसा मिलता है आपको। तो भैया नाम क्या हुआ आपका? राजेश कुमार। बहुत अच्छा है, मैं यहीं के रहने वाला हूँ लोकल, इसलिए यहीं खाता हूँ। यही खाते? क्या खाते हैं, पसंद क्या करते हैं? यहाँ बहुत तरह का चीज़ मिलता है, जैसे ग्रिल है, मीट है, चुस्ता है, गोड़ी है, लिट्टी है, सही प्रकार के खाने हैं। मजा आता खा करके? नहीं, खाकर बहुत मजा आता। क्या बोल रहे हैं, लग रहा है कि भाई साहब शौकीन है खाने के आप। हम तो सबसे प्रेमी है चुस्ता का। चुस्ता के उसको लड़ चुस्ता भी बोलते हैं। गोड़ी तो मतलब समझ लीजिए जो टीबी के बीमारी का होता है वो गोली खाते हैं। हाँ। तो हम लोग तो टीवी के हैं ना, हम लोग तो सब चीज से मजबूत है। चलते चुस्ता और लिट्टी खाते हैं। हाँ। लाख गुना फेमस है, आगे भी चल जाइए। हाँ। मिलेगा, इधर भी चल जाइए मिलेगा, लेकिन ये जवाब कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं। तो क्या कहिएगा यहाँ पे आए खाने के लिए? अरे खा लीजिए ना, पता चल जाएगा। वाह, तो लगवाते हैं भैया, ये कह रहे हैं कि खा के देखिए तब समझ में आएगा आपको कि यहाँ का स्वाद जो वो कैसा है। जवाब है भैया जी, लेकिन यही भैया में कमी है, थोड़ा सा काम देते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम देते हैं। हम लोग नगर निगम का आदमी हैं। हाँ। सप्ताह में 2 बार आते ही हैं खाने के लिए, आते ही आते हैं। महीना में तो 20 बार हो जाता है। 20 बार महीना में? जी। वाह जी वाह। तो यहाँ देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं, ये बन रहा है आपका? बन रहा है? नहीं नहीं, मेरा कहाँ पैक है। अच्छा, ये पैक करवा के लिए आ रहे हैं? लड़ चुस्ता का है जी। तो भैया जो है ना, ये लड़ चुस्ता का शौकीन आदमी है। हाँ। तो हम लगवाते हैं अपना पेट, करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि स्वाद जो बहुत मजा देगा भैया। देखा मजा ना? मजा। तो तवे से निकला, पत्तल में आया और भैया के हाथ में चला गया खाने के लिए शानदार सा लिट्टी और चुस्ता। भैया नाम क्या आपका? आदित्य। और कैसा लगा स्वाद यहाँ का? हमेशा यहाँ खाते हैं, ऑफिस से आते हैं। अच्छा, और घर जाने से पहले यहाँ से खा कर घर जाते हैं। वाह भाई, तो पसंद क्या करते हैं खाना आप? बस यही चुस्त लिट्टी। जी, बनाने का टैलेंट है, हर लोग का अपना अपना टैलेंट होता है, जैसे आपका ये है टैलेंट, मेरा अपना टैलेंट, इनका ये टैलेंट। मतलब ये कहें कि अपने फील्ड में ये महारत हासिल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो ठीक है, आप इंजॉय कीजिए अपने चुस्ता लिट्टी को। हमारा प्लेट ऑलमोस्ट लग चुका है, करते हैं टेस्ट और दिखाते हैं कि टेस्ट जो वो कैसा है यहाँ का। तो गाइस फाइनली जो है, इस भीड़ में से मिल गया हमें अपने पास यहाँ का शानदार लिट्टी और मटन। आवाज़ आपको बहुत मिल रहा होगा अगर भीड़ देखिए वहाँ पे, ये पूरा सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी के ठीक पास आपको दिख जाएगा ये दुकान। प्रॉपर एड्रेस के लिए जो यहाँ का लिंक है वो डाल देंगे बॉक्स के अंदर में, टैप कीजिए और यहाँ तक पहुँच जाइएगा आप। आइए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पहले करते हैं टेस्ट। ये देखिए, ये है गर्मा गर्म सा तवा पर फ्राई किया हुआ मटन, साथ में लिट्टी और बिल्कुल थिक सा ग्रेवी है। देख रहे हैं, एक बार ग्रेवी दिखाते हैं आपको, हालांकि बहुत गर्मा गर्म सा है, ये देखिए ग्रेवी है ये। तो इसको लेते हैं पहले लिट्टी पे, और ये एक बढ़िया सा बाइट बना। गर्मी के टाइम में तो ओके है, ठंड के टाइम में ना बवाल चाहिए, बवाल मतलब आपको सही मना गर्मी फूक देगा, क्योंकि बहुत स्पाइसी है, फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिट्टी बहुत सॉफ्ट हो गया क्योंकि इसको पूरा फ्राई किया गया है तवे पे, जो था मटन का ग्रेवी उसको डाल करके, इसलिए वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और नो डाउट स्वाद बहुत लाजवाब है। तो ये मज़ा है स्ट्रीट फूड खाने का पटना सिटी में। ओह, बिल्कुल कम यूज़ किया गया है सत्तू का, लेकिन फ्लेवर जो है ना वो मस्त है, बहुत मस्त। यहाँ ये आप करते टेस्ट, ये मटन हो गया। और एक बेस्ट चीज़ क्या है, वो मिलता है आपको इस तरह से पत्ते में सर्व करते हैं। पटना में कहीं भी खाइएगा आपको मिलेगा प्लेट में या थर्माकोल के दोने में, लेकिन यहाँ मिलता है आपको इस तरीके से। स्वाद बढ़िया है, प्राइस बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है, और जगह तो भाई साहब ऑसम है। हमारा नाम पीके गुप्ता है। पीके गुप्ता जी? अरे नाम बड़ा यूनिक है आपका। क्या बोले भैया, मतलब समझ लीजिए कि पटना सिटी नाला पे ये रवि चौधरी जी का जो मटन का दुकान है बहुत फेमस है, और समझिए तो काफ़ी सारे हम जैसे नौजवान युवा बच्चे जो है खाने के लिए आते हैं यहाँ पे और आनंद उठाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। देखिए दुकान तो बहुत सारा है ना, और जहाँ टेस्ट लगेगा, मुँह का स्वाद बढ़ेगा,
वही ना आदमी चिपकेगा। तो फाइनली अब आ चुका है बढ़िया सा, इसको बोलते हैं ग्रिल, मतलब ग्रिल करते हैं इसको, इसलिए यहाँ बोलते हैं ग्रिल बोलते हैं, बिहार में ग्रिल बोलते हैं इसको। देखो छूते 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 ना ये टूट रहा है, ये इसको ये एक तरह का चाप है, चर्बी है, प्याज हरी मिर्च सब कुछ दे के बनाया गया है। तो यहाँ पर करते हैं इसको हम टेस्ट लिट्टी के साथ में, लिट्टी थोड़ा सा ग्रेवी। मेरा खास चीज़ क्या है ना, इसका स्वाद और जो खाए हम लोग ना लिट्टी और मटन, उसका स्वाद दोनों का स्वाद ना बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार दिखाते हैं खा करके हम इस ग्रिल मटन को, ये डिप किया करें और दिख रहा होगा आपको मेरा पूरा फेस जो है ना वो स्वेटिंग स्वेट हो गया है, भींग गया है पसीना से, क्योंकि स्वाद ऐसा बढ़िया है और एकदम झालदार है, हल्का तीखा है, मसालेदार है। तो मेरे को ना ये हर चीज़ हर दिन तो नहीं ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप जब आपको मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का ना, जरूर ट्राई कीजिएगा, प्राइस बहुत अच्छा है। तो हम ख़त्म करते हैं पूरे प्लेट को अपने इस वीडियो को। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो भाई को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी क्रॉस कर रहे हैं इस जगह से ना, तो यहाँ पे आकर जरूर रुक करके खाइएगा लिट्टी को, मटन को, चाप को, तो दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो ख़त्म करते हैं पूरे प्लेट को, पूरे वीडियो को, मिलते हैं आपको नहीं तब के लिए, बाय बाय।